एबीपी लाइव पर मैं अभी आपके साथ हूँ एंड जयपुर लिटरेचर फेस्ट के मंच से आज हम बात करने वाले हैं एक रिनाउंड राइटर एंड हिस्टोरियन अलका पांडे जी से। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ी गर्मी है। ये बात तो सही है, हमेशा जयपुर लिटरेचर फेस्ट जनवरी में होता था एंड कहीं ना कहीं वो सौंधी सौंधी धूप भी मिलती थी और ठंड भी होती थी। इस बार मार्च के महीने में हो रहा है, सो ऑब्वियसली आदित्य देव जरा ज़्यादा ही खुश हैं। फैबुलस जो आपकी एक किताब आई है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए, हमारी जनता को। फैबुलस एक्चुअली इसका बड़ा अच्छा कॉनोटेशन है, PHA इन्वर्टेड कॉमा BU और फिर LLUS, तो एक्चुअली है ये फैलस। तो मैंने जो फैलस पे लिखा है, इट इज़ अ वेरी न्यूआंस्ड लेयर्ड स्टडी ऑफ द शिवलिंग। मेरा पहला जो मेरा डॉक्टरल वर्क था वो एक शिव की लीला मूर्ति पे था, अर्ध नारी ईश्वरा। उसके बाद मैंने काफ़ी काम जेंडर और सेक्सुअलिटी पे भी किया था थ्रू द कामसूत्र, वन ऑफ द 4 आश्रम्स ऑफ लाइफ। तो जब अनंत पद्मनाभम CEO बने हार्पर कॉलिंस के, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये किताब क्यों नहीं करते, इतना काम किया है जेंडर सेक्सुअलिटी में, तो एक जेंडर के मेंबर के बारे में क्यों नहीं करते। एंड आई रियली थॉट अबाउट इट और मुझे लगा कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि शिव पे इतना रिसर्च किया हुआ था इतने साल, तो मुझे लगा शिवलिंग को लेके taking off from the point of departure from the shivling, the ithyphallic image of Shiva, मैंने सोचा क्यों ना मैं बाकी cultures, जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, उन सब में किसी ना किसी प्रकार में लिंग दिखाई देता है। द फैलस इन इजिप्ट, द फैलस इन इंडोनेशिया, द फैलस इन कोरिया, द फैलस इन यूरोपियन सिविलाइजेशंस। मैम, जब हम जेंडर की बात करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जेंडर, बहुत सारे जेंडर्स हैं, एंड क्या फ्यूचर में भी आप बाकी जेंडर्स के अराउंड भी ऐसे स्टडी को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? सी, दिस इज अ कंटिन्यूइंग स्टडी विद मी। जब से मैंने अर्धनारीश्वर किया है, तो एक बार आप जब अपनी PhD शुरू करते हैं तो वो जिंदगी भर आपके साथ रहती है ना, बिकॉज यू स्टार्ट एट अ वेरी, व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज एट अ वेरी फॉर्मेटिव पीरियड इन माय लाइफ, एंड मैंने 10 साल लगाए इसको करने में। तो मैम, जब हम सेक्सुअल स्टडीज की बात करते हैं, सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इस टॉपिक को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, आज भी इसको टैबू कहीं ना कहीं सटली माना जाता है। हाउ डिफिकल्ट वॉज इट एंड वॉट इज़ योर टेक ऑन इट, कि इसको किस तरीके से नॉर्मलाइज किया जा सकता है यूथ के लिए एंड हर जनता के लिए? शिव पार्वती को देख लीजिए, उधर से ही कहते हैं नंदी ने उन हर्ड द साउंड्स ऑफ प्लेजर, और कामसूत्र, वन ऑफ द वेज इज कि कामसूत्र की उत्पत्ति वहाँ से हुई। तो हमारी सभ्यता में, हमारे कल्चर में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब को बैलेंस में जब तक नहीं होगा तो हम आगे कैसे जाएंगे। तो हमारी सभ्यता में जेंडर इंक्लूसिविटी बहुत थी। अगर आप कामसूत्र को भी देखेंगे वत्सायन के, तो उसमें तृतीय वर्ग एक था जेंडर, सो वी इंक्लूडेड द ट्रांससेक्सुअल्स, ट्रांसवेस्टाइट्स, किन्नर्स, वो तो हमारी सभ्यता के हैं। तो ये ज़रूरी है कि अब हमको अपनी जो पुराण हैं, जो कहानियां हैं, जो माइथोलॉजी है, जो कविताएं हैं, जो संस्कृत पोएट्री है, उसको हम दोबारा अच्छे पूरे इंक्लूसिव तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी सभ्यता तो एक बहुत ओपन इंक्लूसिव सभ्यता है। बट वी हैव टू मूव विद द टाइम्स, यू कान कीप लुकिंग बैक टू द पास्ट। आगे कैसे चलेंगे इसको, एक इसके साथ हमको एक पूरी डिवेलपमेंट, और किस तरह से हमारी संस्कृति और सभ्यता ट्रांसफॉर्म हो रही है, किस तरह से वो बढ़ रही है, उन सबको थोड़ा कॉन्टम्पलेटिव और रिफ्लेक्टिव तरीके से अगर हम देखेंगे, सो आई थिंक इंडिया इज वंडरफुल, इंडिया तो अद्भुत है। एक डिबेट जो पास्ट में भी कई बार उठाया गया है कि क्या सेक्स एजुकेशन को करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या है, हम कितने भी एडवांस्ड हों, कितने भी हम खुले हों, अपने बच्चों के साथ सेक्स की बात करने में थोड़ा हिचक भी हो सकती है, क्योंकि मैं तो इस बात पे मानती हूँ कि माँ बाप फ्रेंड्स कभी नहीं हो सकते, पर अगर उनको अच्छे तरीके से स्कूल में एक साइंटिफिक रैशनल तरीके से बताया जाए और इन्फॉर्मेशन उनको दी जाए, तो हमारी आई थिंक सेक्सुअल क्राइम्स भी कम होंगी,
एक रिस्पेक्ट भी होगी, एक अंडरस्टैंडिंग भी होगी और एक कंफर्ट लेवल्स भी होंगे। तो स्कूल में तो बहुत ज़रूरी है, एडल्ट एजुकेशन में ये ज़रूर जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू एबीपी लाइव। थैंक यू।